तो तीनों क्रेन भाई माचना नदी पे पहुंच गई इस टाइम पे लॉन्चिंग करने के लिए। पर सारा ये चालू किया भाई एक्सकेवेशन, क्योंकि अभी यहाँ पे सब ग्रेड टॉप तक निकालना पड़ेगा हमको। तो ग्रेडिंग होने के बाद कुछ सरफेस कुछ इस टाइप से दिखने लग गया, ये आप देख रहे ना, ये मैनुअल कंक्रीट करने में भाई शटरिंग लगानी पड़ती इस टाइप से। ये देख रहे हैं 300 mm की थिकनेस रहती है, 300 mm का ये प्लेट लग रहा है। देख रहे ना आप अपनी गाड़ी में थोड़ा सा वाइपर चेंज कराते हैं आज। भाई देखो कैंप के नज़ारे देखो, भाई कैंप में आए थे थोड़ा सा डीजल वीजल डालने, आए सामने वो अपनी गाड़ी में थोड़ा डीजल फिल कर रहे हैं। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई फाइनली साइड पे पहुंचे, टाइम हो रहा लगभग 11 बजे का और इस टाइम पे हैं अपन टोल प्लाजा वाली साइड पे हैं। तो शुरुआत करेंगे भाई आज ये टोल प्लाजा वाली साइड से, खत्म करेंगे शायद सुक्तवा का ब्रिज आज जरूर दिखाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा। तो भाई बने रही इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो में आपने देखा था, अपन ने पूरा एक्सकेवेशन का काम लगभग खत्म कर दिया है अभी यहाँ। कल जो थोड़ा बहुत बचा था ना वो अभी यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया, जितना डामर का जो मटेरियल था ना वो उसको निकाल लिया है। तो अभी भाई इसके नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई आप देख रहे PQC की हाइट ऊपर है और जो पुराना रोड थोड़ा ऊंचा था, तो अपने को पूरा नीचे डाउन जाना पड़ेगा। लगभग 300 का PQC जाना पड़ेगा, 300 का GHB 600 और 150 का वो आपका DLC, तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 750 mm के आसपास हमें नीचे जाना पड़ेगा इस जगह पे। और यहाँ पे बाकी का आप पोर्शन देखें ना, बाकी के कुछ पोर्शन हमारा सही है, लगभग 100 मीटर के टुकड़े में हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा हाइट में था। तो अभी चालू करेंगे भाई एक्सकेवेशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चालू किया भाई एक्सकेवेशन, क्योंकि अभी यहाँ पे सब ग्रेड टॉप तक निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये वाले पोर्शन में हमारा जो पुराना डामर था ना वो थोड़ा ऊंचा था पुराना, तो अभी इसको पूरा अप टू सब ग्रेड टॉप तक जाना पड़ेगा। ये पेड़ भाई पहले बनाए हुए थे यहाँ पे, क्या पहले डामर कर दिया था टेम्प्रेरी चलने के लिए, तो ये थोड़ा ऊंचा बन गया था, तो इसको अब निकालना पड़ रहा है पूरा अप टू सब ग्रेड टॉप। 750 mm के आसपास डाउन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भाई 300 का GHB करना पड़ेगा, उसके बाद DLC 150 mm का और 300 mm का PQC करेंगे, तब इसके बराबर आएगा ये। तो अभी भाई यहाँ पे पूरा एक्सकेवेशन करेंगे, इसको पूरा निकाल के इसको बाहर फेंकेंगे, बाकी में दिक्कत नहीं है। यही वाले पोर्शन में थोड़ा सा ये 60-70 मीटर में ज़्यादा दिक्कत है, तो वो पूरा आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे यहाँ पे। इधर की साइड दोस्तों आप देख रहे हैं ना एक्सकेवेशन चालू है ना, तो एक्सकेवेशन के साथ साथ जो दूसरी साइड जो अपना रेडी हो चुका है उसमें भाई ग्रेडिंग का काम चालू कर दिया। तो ये देखो ये चल रहा है एक्सकेवेशन, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे चल रहा है अपना ग्रेडिंग। तो ये वाला जो GHB आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक डामर का पपड़ी निकाला, तो यहाँ पे भाई पहले से 450 mm के आसपास क्रश डला हुआ है। अभी भी भाई इसके ऊपर लगभग 100 mm का एक लेयर और आएगा, तब भाई अपन DLC के बॉटम लेवल तक पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले जो पुराना सरफेस है उसको ग्रेडिंग करेंगे, रोलिंग करेंगे, वाटरिंग करेंगे, उसके बाद ही भाई अपन चालू करेंगे आगे का काम। तो ये जो काम देख रहे हैं ना, ये जो अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रेडिंग होने के बाद कुछ सरफेस कुछ इस टाइप से दिखने लग गया, ये आप देख रहे हैं ना, ये अभी इसके ऊपर भाई एक लेयर आ जाएगा अपना GHB का एक लेयर आ जाएगा, तब फिर अपन इस पर DLC चालू कर देंगे तुरंत। तो DLC जैसे ही हो जाएगी उसके पास लगभग 7 दिनों के आसपास इसको क्यूरिंग करेंगे, 7 दिन में हो जाता भाई कॉम्पैक्ट, फिर अपन PQC चालू कर सकते हैं इधर से भी। तो फिर एक बार PQC का पेवर अपना चालू हो जाएगा, अभी पेवर का काम बंद हो गया ना, क्योंकि पेवर पे चल रहा है अपना बंद हो गया, क्योंकि अपना क्या है मैनुअल करना पड़ रहा है अपने कॉन्क्रीट, क्योंकि मैनुअली ही बचा है, क्योंकि जो पेवर मैक्सिमम विड्थ है उसकी 5 मीटर है, 5 मीटर वाला किस्सा पूरा हो चुका है, अब बचे 1 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर के आसपास जो कॉन्क्रीट बचा ना, जो फैनिंग वाला पोर्शन बचा, तो वही करने वाले हैं अभी अपन। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया था ना, अभी बचा है पेवर का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो बचा हुआ जो कॉन्क्रीट है वो हो रहा भाई इस टाइप से मैनुअल। तो मैनुअल कॉन्क्रीट करने में भाई शटरिंग लगानी पड़ती है इस टाइप से। ये देख रहे हैं 300 mm की थिकनेस रहती है, 300 mm का ये प्लेट लग रहा है, तो ये प्लेट लग जाएगा जैसे पूरा जो टुकड़ा बचा, जो फैनिंग वाला पोर्शन है ना, एक साइड ज़्यादा है एक साइड थोड़ा कम है, उस हिसाब से वो आगे फैनिंग मिल जाएगी। तो अभी ये इसी हिसाब से मैनुअली करनी पड़ेगी, और आज अभी यहाँ पे शटरिंग वटरिंग लगा के पूरा रेडी कर देंगे, उसके बाद कॉन्क्रीट बुलाएंगे सुबह, क्योंकि अभी तो आज थोड़ा लोकल वोकल मार्केट वगैरह है और कहीं और कॉन्क्रीट का प्रोग्राम है, जब तक शटरिंग वटरिंग लगा के रेडी रख लेंगे सुबह फटाफट इसकी कॉन्क्रीट कर देंगे। बाकी आगे कुछ पोर्शन हमने किया है आज सुबह सुबह, तो वो दिखाता हूँ, सुबह जल्दी जल्दी चालू कर दिया था क्योंकि भाई मौसम थोड़ा गड़बड़ हो जाता ना फिर। आज सुबह दोस्तों ये वाला PQC किया था अपने मैनुअल, और मैनुअल में देखा ना ये अब फैनिंग टाइप का मिला है इस टाइप से, और ये एंड है अभी, इसके बाहर PQC वगैरह कुछ भी नहीं होनी। तो अपना 10 मीटर के आसपास ये हो चुका था, उसके बाद ये मैनुअल कर दिया है अभी इसको सुबह सुबह, कल इसमें भाई बंड बना के इसको पानी की क्यूरिंग व्यूरिंग कर देंगे, अभी तो केवल हल्का फुल्का पानी मार रहा है, क्यूरिंग कंपाउंड मार के रेडी कर दिया है इसको।
वैसे टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वैसे धूप नहीं है अभी आज। तो दोस्तों अभी जाने वाले थे सुक्तवा के ब्रिज पे, मैं जाने वाला था, पीछे चल रहे पल्लू पाजी। तो दिक्कत क्या हुई भाई, बारिश आ गई यार सडनली यार एकदम यार, तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आज नहीं जाएंगे भाई, कल जाएंगे। तो आज तो भाई यहीं की अपनी जो लीला जो फैली पड़ी है उसको सुधारते हैं, थोड़ा बहुत माचरा ब्रिज पे चलेंगे, वहाँ पे क्रेने वगैरह शिफ्ट करने वाले हैं। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं आगे की तरफ। और चलो 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 पूरा एक्सकेवेशन चालू है दोस्तों अभी यहाँ पे। भाई मौसम साथ नहीं दे रहा यार, कल भी बारिश हो गई दबा के, अभी फिर से हो गई यार, फिर से चालू हो गई। देखो रिमझिम चालू हुई, ऊपर देखो आसमान में काली घटा चालू हुई है। तो मेरे हिसाब से तो पानी फिर से गिरेगा, बेड बढ़िया कर लिया था, इसमें रोलिंग रह गई थी। वैसे वाटरिंग तो हल्की फुल्की हो गई, अब वाटरिंग नहीं करानी पड़ेगी भाई, क्योंकि वाटरिंग ये हो गई, ज़्यादा वाटरिंग करनी नहीं अपने को। और रोलिंग करने के बाद इसमें कैंप से नाइट में भाई GSB का प्रोग्राम बनाता हूँ, अगर मौसम तो खुल ही जाएगा खैर, तो इसमें GSB डाल के अभी रोलिंग करके छोड़ देंगे, तो GSB डाल के सुबह इसको ग्रेडिंग व्रेडिंग करके DLC की फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि अपने को बाद PQC की चाल बनानी है भाई पेवर से, क्योंकि मैनुअल में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मशीन खड़ी है अपनी आइडल, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं अभी आगे का सौदा। भाई बारिश देख लो कैसी कड़क रही है। तो दोस्तों देख रहे ना बारिश लग गई तेज यहाँ पे, आप देख रहे ना सारा काम हमारा रुक गया है, अभी बारिश यार पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है शाम के टाइम पे। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का, और 4 बजे के आसपास कैसी बारिश हो रही है। इधर सुक्तवा जाने वाले थे पर फिर अब बारिश ही हो गई, तो फिर वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है, कोई काम बिल्कुल बंद होगा। तो अभी थोड़ा सा कैंप में जाते हैं, थोड़ा डीजल वीजल डलवाएंगे, उसके बाद थोड़ा क्रेन वगैरह जो तीसरे नंबर की भाई क्रेन भी पहुँच गई साइड पर, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा माचरा ब्रिज की तरफ चलेंगे अभी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मोटा काम चल रहा होगा, बाकी तो लगभग बंद ही हो गया। हाईवे के काम भाई बारिश में बिल्कुल बंद हो जाते, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अभी। थोड़ा सा पानी जब रुक जाएगा तो GSB में WM वगैरह चलेगा, बंद नहीं तो सारा काम सत्यानाश। थोड़ा कैंप की तरफ चलते हैं अभी। तो भाई देख रहे ना आप, अपनी गाड़ी में थोड़ा सा वाइपर चेंज कराते हैं आज, अब वाइपर थोड़े इसके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, कांच प्रॉपर साफ़ नहीं कर रहे। तो अभी लिए हैं यहाँ से लोकल जो मिंडा कंपनी के मिले हैं 350-400 रुपये, चेंज करते हैं इनको। ये अभी नए वाले लिए तो आज अभी चेंज कर रहे हैं, ये देख रहे ना आप, ओरिजिनल कंपनी के मैंने डलवाए थे लगभग 850-900 रुपये के, पर ये अभी डलवा रहे हैं ये तो 350 रुपये में डले। तो भाई देखो कैंप के नज़ारे देखो, भाई कैंप में आए थे थोड़ा सा डीजल वीजल डालने आए सामने, वो अपनी गाड़ी में थोड़ा डीजल फिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या इस कैंप में वैसे आना कम ही हो रहा है, क्योंकि अभी साइड पर काम ज़्यादा चल रहा था। तो यहाँ पर आप ये देखिए भाई, ये बारिश में सारा टीम टाम ठप हो गया सारा, मशीनरी सब खड़े, बारिश में भाई क्रशर वगैरह कुछ भी नहीं चलता। अभी थोड़ा देर रुक जाएगी ना तब थोड़ा बहुत चलेगा, अर्थवर्क वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगा, केवल स्ट्रक्चर का काम चलेगा। माचना नदी पे चल रहा होगा थोड़ा बहुत काम, तो वही देखेंगे। तो अभी तो तेल वेल डाल के अपन आगे ही निकलते। और तो मौसम कैसा बनता जा रहा, हवा एकदम तेज चलती जा रही यार, बिजली अलग कट रही। चलो भाई साइन कर देते भाई रजिस्टर में, उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। हम भी दिखा देंगे क्या, देखो हम काम कर रहे हैं कहीं। तो अभी चलते भाई माचना नदी में, थोड़ा टाइम पास करेंगे उधर ही, क्योंकि बारिश हो जाती है ना फिर कुछ भी नहीं चलता। तो दोस्तों अभी चलते हैं माचना नदी पे, चलते थोड़ा सा टाइम पास करेंगे वहीं पे, क्योंकि तेल वेल डाल लिया है और अभी काम वाम कुछ है नहीं। तो मैं हूँ साथ में पल्लू पाजी है, तो घूम रहे हैं अभी थोड़ा बहुत, तो अभी सीधे चलते हैं साइड पे। तो दोस्तों देख रहे हैं ना काफिला आ गया है, तीनों क्रेन पहुंच गई। देखो वो छोटी वाली है, ये बीच वाली छोटी है, लास्ट वाली तो बड़ी है, और एक ये वाली जो आ जाई है, ये आ जाइए नई। बारिश इतनी हो रही है भाई, नीचे आके भाई वीडियो शूट भी नहीं कर रहे भाई, गाड़ी में बैठे बैठे बना रहे। तो तीनों क्रेन भाई माचना नदी पे पहुंच गई इस टाइम पे लॉन्चिंग करने के लिए, पर सारा सत्यानाश हो गया बारिश के कारण। अभी जब तक थोड़ा सूखेगा नहीं तो भाई क्रेन वेरन बहुत ज़्यादा फंसती हैं। तो कल देखते हैं प्रोग्राम बनाएंगे पहले गडर लॉन्चिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेलर भी पहुंच गया, अभी ट्रेलर पहुंच गया ना क्रेनें भी पहुंच गई, तो अब भाई क्रेन वाला हमें पागल कर रहा है कि भाई लॉन्चिंग चालू करो, क्योंकि काम देना पड़ता है, नहीं तो भाई क्रेनें आइडल रहेंगी तो भाई दिक्कत हो जाती है, इनका बहुत ज़्यादा किराया रहता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इनका किराया क्या है, किस हिसाब से आती है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता करना पड़ेगा क्या रेंट रहा है, क्या है, किस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो भाई बारिश इतनी हो गई तो अभी तो नीचे उतरने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि तेज चल रहा पानी। तो अभी चलते भाई रूम की तरफ, क्योंकि आज का काम यहीं पर ख़त्म है, और आज का ब्लॉग भी भाई यहीं पर एंड कर रहे हैं। और आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ना क्रेनों के बारे में वीडियो बनाई, तो वो भी बनाएंगे।
तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे फ्री रहेंगे उस दिन बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग भाई यहीं एंड कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।